हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे की तरफ से IRCTC का वेबसाइट और IRCTC का जो मोबाइल ऐप होता है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, दोनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपडेट किया गया है। इस अपडेट से जो न्यू यूजर्स है जो IRCTC में जो टिकट बुकिंग करते हैं या मतलब अभी जो पहले से भी बुकिंग करते हैं, उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। वो लोग अब ये टिकट बुकिंग करते वक्त अब वो लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस स्टेट का टिकट बुकिंग कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों की कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को पता नहीं चला होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए मैं IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर रहा हूँ और ओपन करके आप देखिए मैं कुछ स्टेशनों का मतलब सर्च करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख मैं अलवर, जैसे कि मैं एक देखिए, जैसे कि मैं इसमें सर्च ट्रेन में अलवर टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि अब ये जो अलवर है किस स्टेट में पड़ता है ये आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अलवर जो है राजस्थान स्टेट में पड़ता है, ये आपको शो हो गया। पहले होता क्या था कि आप कहीं से भी टिकट बुकिंग करते थे, वो चाहे बड़ा स्टेशन हो या चाहे छोटा स्टेशन है, तो वो आपको नहीं शो होता था। अब आप कोई भी स्टेशन, कितना भी छोटा क्यों ना स्टेशन बुकिंग टिकट करते हैं, तो आपको स्टेट पता चल जाएगा। पहले पता नहीं चलता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अलवर ही तिरुनगरी जो स्टेशन है देखिए तमिलनाडु में पड़ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा एक स्पेलिंग के लिए को लेके यहाँ पे स्टेशन चेंज हो जाता है और स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो जिससे कि अब आपका क्या हो पाएगा कि अब आपका स्टेट भी चेंज नहीं होगा और स्टेशन, जैसे कि सिकंदराबाद में सर्च किया हूँ तब सिकंदराबाद किस स्टेट में पड़ता है बहुत कम लोग जानते थे। अब क्या हो जाएगा कि अगर आप सिकंदराबाद का टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो आपको तेलंगाना राज्य पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे सचिन एक स्टेशन का नाम है जो कि गुजरात है। सचिन स्टेशन कौन जानता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग मतलब नए यूजर जो होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होता था कि कौन सा स्टेशन किस स्टेट में पड़ता है। अब आपको इस अपडेट से जो IRCTC का जो नया अपडेट आया है, इस अपडेट से अब सभी को नए यूजर हो या पुराने यूजर हो, ठीक है, नए टिकट बुकिंग करने वाले हो या पुराने टिकट बुकिंग करने वाले हो, अब सबका इससे क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिल सकता है इस अपडेट से। ठीक है, इससे सभी लोग अपने अपने स्टेट का नाम मतलब जान सकते हैं, छोटा मोटा स्टेशन से लेके बड़ा बड़ा स्टेशन तक। ठीक है, तो इस अपडेट से काफ़ी यूजर्स को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। हमें तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है, इससे हमको स्टेट पता चल जा रहा है कि हमको कौन से स्टेट का मैं टिकट बनाने जा रहा हूँ, कौन से स्टेट का नहीं। ठीक है, इससे मैं सही देखिए एक जैसे कि हाजीपुर है। अब ये हाजीपुर जो लोग नहीं जानते कि हाजीपुर पड़ता कहाँ है, वो अपना अब इसमें सर्च मार के देख सकते हैं कि वो हाजीपुर पड़ता कहाँ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाजीपुर आपका बिहार में पड़ता है, हाजीगढ़ आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो कि ऐसा पहले नहीं था, तो काफ़ी लोग ऐसे नहीं जानते। ये ऑप्शन आपको टिकट बुकिंग करते वक्त ही नहीं, बल्कि अगर आप टिकट बुकिंग कर लेते हैं फिर भी आपको ये आपका टिकट जब प्रिंट करिएगा तो उसमें भी आपको शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सेवड़ा पुलिस स्टेशन है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ये बहुत छोटा मोटा स्टेशन है, एक से बहुत कम ही एक्सप्रेस ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन रुकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैं सेवड़ा पुलिस स्टेशन में बुक किया हूँ, जो कि इसमें हावड़ा / कोलकाता दिखा रहा है। मतलब ये जो सेवड़ा पुलिस स्टेशन है ये हावड़ा और कोलकाता के बीच में पड़ता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप भी टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको भी इसी तरह से टिकट पर प्रिंट मिलेगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो